everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So today I'm going to show you my vanity tour. तो आप लोगों की काफी request आ रही थी, तो finally मैं अपनी vanity आप लोगों के सामने लेके आ रही हूँ. So this is a very affordable vanity. कोई बहुत ज़्यादा luxurious है, grand चीज़ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ये affordable है. So I have chest of drawers right here, जो कि मैंने एक local carpenter से बनवाई थी. इसमें तीन chest of drawers हैं. और साथ में इसके साथ मैंने ये मिरर लिया है. तो चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स थी, दिस वाज फॉर 3500 रुपीज ऑन ऑर्डर. एंड ये जो मिरर था ये मैं लाई थी बंजारा मार्केट से जस्ट फॉर ₹500. तो ये पूरी की पूरी वैनिटी मुझे पड़ गई 4000 रुपीज की. तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कैसे मैं इसे पूरा ऑर्गेनाइज करती हूँ, कैसे मैंने इसका पूरा टेबल टॉप ऑर्गेनाइज किया, कैसे मैं अपना मेकअप ज्वेलरी सारी चीजें इसमें ऑर्गेनाइज करती हूँ. सो इफ यू इंटरेस्टेड प्लीज कीप वॉचिंग एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. नाउ लेट्स बिगिन. फर्स्ट आई हैव दिस टाइनी मेटल प्लेट जिसके ऊपर काफ़ी प्रिटी सा प्रिंट बना हुआ है फ्लावर का. आई गॉट दिस फ्रॉम ट्रेड फेयर आई थिंक 2 or 3 years back. इस पर मैं मोस्टली अपने जो डेली वेयर वाले स्टड्स हैं वो रखती हूँ. प्लस जब भी मैं कहीं फंक्शन वगैरह से आती हूँ तो मैं फट से अपनी ज्वेलरी यहाँ रख देती हूँ बिफोर पुटिंग इट इन द एग्जैक्ट प्लेसेस. फिर यहाँ पे है ये मिरर का गोल्डन कलर का बॉक्स जिसके अंदर मेरे रहते हैं काफ़ी सारे स्टड्स एज यू कैन ऑलरेडी सी. तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे हैं. एंड हु रिमेंबर्स दीज वंस, जो चप्पल वाले काफ़ी फेमस हुए थे आई थिंक 2008 वगैरह में ही काफ़ी फेमस हुए थे. तो ये मेरे पास अभी तक हैं. तो कुछ तो इसमें मेमोरी वाले हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि मैं काफ़ी पहन लेती हूँ. दीज वंस आर इन रियल सिल्वर. सो या ये मेरे पास कुछ ये स्टड्स हैं और छोटी छोटी सी इसमें बालियाँ भी हैं कुछ. ओवर हियर आई हैव दिस गोल्डन ग्रिड जिसके अंदर मैंने अपने कॉम्ब्स रखे हैं. आई गॉट दिस फ्रॉम बंजारा मार्केट. और ताकि स्क्रैच ना पड़े नीचे तो मैंने यहाँ पर ये कोस्टर रख लिया है. एंड इसमें वही सारे बेसिक कॉम्ब्स वगैरह हैं. ये वाला जो कॉम्ब है ये नीम का कॉम्ब है. तो इससे कहते हैं कि मतलब काफ़ी सारे इसके फ़ायदे हैं. सो आई गॉट इट फ्रॉम दिल्ली हार्ट मार्केट. तो आप भी ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो. देन मूविंग ओवर हियर मेरे पास है ये क्यूट सी ये डॉल विच माई मामी गिफ्टेड टू मी. देन आई हैव दिस ग्लास कंटेनर जिसके अंदर मेरी कॉटन की बर्ड्स वगैरह रहती हैं. इसमें ये सारे कॉटन हैं. सो कॉटन तो काफ़ी यूजफुल होती ही है. ओवर हियर आई हैव दिस बैंगल बॉक्स जो मैं लाजपत नगर मार्केट से लाई थी, बट आई यूज़ इट टू प्लेस माई ब्रेसलेट्स. तो काफ़ी अच्छा सा बॉक्स है. एंड इसके अंदर इस तरह से मेरे कुछ ब्रेसलेट्स रखे हुए हैं. इसमें से मुझे ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद है विच इज़ गिफ्टेड टू मी बाय माई फ्रेंड नंदनी. और मुझे जो ये वाला है ये भी बहुत ज़्यादा पसंद है. इसमें ये टैसल्स नीचे हैंग हैं बीट्स के और काफ़ी अच्छा ये स्टोन का ब्रेसलेट है. सो इस तरीके मेरी काफ़ी जो कलेक्शन है वो मैंने ऑलरेडी आपको शो कर रखा है अपनी ज्वेलरी वाली कलेक्शन वीडियो में, तो आप चेक कर सकते हैं. ओवर हियर आई हैव माई मेकअप ब्रशेज जो कि आई गॉट फ्रॉम शीएन. एंड ये अभी थोड़े से डर्टी हुए हैं क्योंकि अभी कहीं आना जाना तो हो नहीं रहा है. तो जब भी कहीं आना जाना होगा तो मैंने ज़रूर वॉश करके अच्छे से रख लूँगी. एंड ये इसमें काफ़ी सारे हैं. इसमें आपके ब्लश के लिए ब्रश है, कंटोर के लिए है, हाइलाइटर के लिए ब्रश है. तो सारे इसमें ब्रशेज़ हैं जो कि एक बिगनर के लिए आई थिंक इट्स इनफ. एंड इसमें अगर होल्डर की बात की जाए तो ये मैंने लिया था होम सेंटर से. और जो ये होल्डर है दिस इज़ एक्चुअली अ कैंडल होल्डर जिसे मैंने यूज़ किया है एज अ ब्रश होल्डर. तो आई थिंक ये सही लगता है क्योंकि छोटे छोटे से ये ब्रशेस हैं, कोई ज़्यादा लंबे नहीं है. तो मैंने इन्हें अच्छे से इसमें रख दिया है. इस बॉक्स में क्या है इससे दिखाने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये बहुत ही अच्छा सा कोट जो मैंने खुद बनाया है ऑन अ कार्डबोर्ड. तो ये है एक पाइनएप्पल शेप का एक कार्डबोर्ड जिसपे मैंने लिखा है बी अ पाइनएप्पल स्टैंड टॉल वियर अ क्राउन एंड बी स्वीट. तो ये काफ़ी अच्छा सा कोट मुझे लगा एंड ये मैंने इस पर लिख दिया है. काफ़ी ये अच्छा सा लगता है, दैट्स व्हाई आई हैव प्लेस्ड इट हियर. इन दिस जूट बॉक्स विच आई गॉट फ्रॉम ट्रेड फेयर आई कीप ऑल माई रिंग्स. तो पूरा जो मेरा रिंग्स का कलेक्शन है इसके अंदर है. काफ़ी जो मुझे स्टेटमेंट रिंग्स हैं काफ़ी पहनना पसंद है. सो आई हैव अ लॉट ऑफ देम. तो मैंने अपना पूरा जो कलेक्शन है आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर रखा है. विल प्लेस द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप देख लेना. लेट्स मूव टू ड्रॉ नंबर वन जिसमें आई मोस्टली हैव माई लिपस्टिक्स, मेकअप एंड सम स्किन केयर. In the drawer, the first thing that you can see are these lipsticks which I have organized in this lipstick organizer which I got from Amazon. और ये 24 grit का lipstick organizer है. इतनी सारी मेरे पास lipsticks है नहीं तो इसमें 2-4 compartments खाली हैं. So इसमें मैंने बड़े अच्छे से अपनी lipsticks लगा के रख दी हैं. अगर मैं अपनी favorite lipstick की बात करूँ तो मेरी favorite lipstick है ये जो कि है from Lakme. This is Lakme Absolute Matte Lipstick in the shade Coco Shot. Then over here I have my makeup collection, a very limited one but everything that I need, I require is in this collection. तो इसमें सबसे पहले मेरे पास ये पैलेट है वेट एंड वाइल्ड की. तो ये मेरे पास एक ही पैलेट है, इसी से मैं सारे लुक्स वगैरह क्रिएट करती हूँ. मैंने बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं कर रखे हैं आइटम्स, बहुत ही लिमिटेड कलेक्शन है. यहाँ पे मेरे पास ये कंटूर है फ्रॉम शुगर एंड ये प्राइमर वगैरह है. देन ब्लश है. देन ओवर हियर आई हैव माई मास्टर क्रोम हाईलाइटर जो कि मेरी रिसेंट परचेज, आई हैवंट यूज्ड इट येट. फिर यहाँ पे मेरे ये स्विस ब्यूटी के 2 लिक्विड आई शेडोज़ हैं, मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ करने पसंद हैं. देन ये मेरी आई लाइनर्स की एक रो है विच इज़ फ्रॉम लैक्मे.
लैक्मे स्टाइल आइनर हैं ये, बहुत ही अफोर्डेबल हैं एंड आई लव देम। इसमें मेरे पास ब्लू भी है, गोल्डन भी है एंड इसमें बस ग्रीन वाला रह गया, तो मैं ग्रीन वाला भी परचेज करने वाली हूँ। देन फाउंडेशन में मेरे पास है मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। माई शेड इज़ नेचुरल बीज, और जब मैं थोड़ा टैन वगैरह हो जाती हूँ तब आई यूज़ दिस विच इज़ नेचुरल बफ। तो मुझे ये वाला जो मेरा अपना शेड है इसका बड़ा वाला बॉटल नहीं मिला था, दैट्स व्हाई आई वेंट विद द ट्यूब, अदरवाइज मैं ये बॉटल ही लेती। तो अब ये फिनिश होने वाला है तो ऑफकोर्स मैं जो बॉटल है उसमें ही ले लूँगी, जो बड़ा वाला पैक है। देन मूविंग ओवर हेयर, मेरे पास ये नायका के प्रीमियम कॉटन पैड्स हैं टू रिमूव द मेकअप, तो काफ़ी सारे अभी हैं, मैंने रिसेंटली नायका से मंगवाए थे। फिर यहाँ पे कुछ मेरे आइटम्स हैं, सबसे पहले यहाँ पे कुछ रबर बैंड्स हैं, ये बो वाले काफ़ी क्यूट हैं, वैसे मैं कम लगाती हूँ रबर बैंड्स बट ये यहाँ पे हैं। फिर एक ये मैंने पेडीक्योर के लिए मंगवाया था फुट सोक, अभी तक यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे मेरा एक ये लूज़ पाउडर है, मेरा मेकअप सेटिंग स्प्रे है विच आई हैवंट यूज्ड येट, फेसेस कैनेडा का है ये पर अभी तक यूज़ नहीं कर पाई मैं से। मेरा मेकअप रिमूवर है, देन कुछ लोशंस वगैरह हैं, बायो ऑयल है, यहाँ पे कुछ क्रीम्स हैं, मेरा मिनीसो का परफ्यूम है, सो या दैट्स इट, यहाँ पे ये सब है। और हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें रह गई, जैसे कि यहाँ पे मेरी दो चार क्लिप्स पड़ी हुई हैं, रेली यूज़ करती हूँ मैं ये जो नॉर्मल वाली क्लिप्स होती हैं, और नीचे एक ये लिपस्टिक का होल्डर है, जब मुझे कहीं जाना होता है ना तो इसमें दो लिपस्टिक्स बड़ी आराम से आ जाती हैं, तो यहाँ पे ये दो लिपस्टिक्स आ जाती हैं, प्लस मिरर भी है, सो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, तो मैं इसे कैरी कर लेती हूँ। और ये कुछ मिसलेनियस आइटम्स हैं, और ये दो बिंदी हैं जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ जब भी कोई फंक्शन वगैरह होता है, तो आई जस्ट यूज़ दीज बिंदीज, ये दोनों मैं यूज़ करती हूँ, आइदर गोल्डन वन या फिर ये ब्लैक वन। देन ओवर हियर आई ऑल्सो हैव माई मेकअप ब्लेंडर विच आई गॉट फ्रॉम पिकॉस, अभी थोड़ा सा डर्टी है तो जब भी कहीं आना जाना होगा तब मैं इसे क्लीन कर लूँगी। सो दैट्स इट फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉअर, मूविंग टू ड्रॉअर नंबर टू नाउ। देन ओवर हियर लेफ्ट साइड में है मेरे कुछ हेयर बैंड्स, तो इसमें कुछ नॉट हेयर बैंड्स हैं, जैसे कि ये वाले हैं, ये हैं, फिर ये एक बो वाला हेयर बैंड है, ऑल ऑफ देम आर मोस्टली फ्रॉम सरोजनी जनपथ या इस तरह के ही मार्केट से है। फिर ये वाला मुझे बहुत पसंद है, मेरी रीसेंट परचेज है, मैंने अपनी कज़न के एंगेजमेंट के लिए ख़रीदा था बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट अटेंड द फंक्शन। फिर एक ये फेक ब्रेड वाला हेयर बैंड है जो कि मैंने ख़रीदा था क्लब फैक्ट्री से, काफ़ी अच्छा सा इसे लुक आ जाता है इसे लगा के। एंड यहाँ पे मेरा एक हेयर ड्रायर है फ्रॉम फिलिप्स, इसके साथ ही इस तरह के दो ब्रशेस भी हैं, बहुत पुराने हैं, 20 साल पुराने हैं। एंड मैंने ऐसे कोई हेयर टूल मेरे पास नहीं है बिकॉज मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं अपने हेयर को ज़्यादा डैमेज करूँ, और ये ऐसे ही पड़ा हुआ है एक हेयर बैंड, ये क्रिसमस का हेयर बैंड है तो मैंने इसे ऐसे ही रखा हुआ है यहाँ पे। देन इन दिस आई हैव माय नेकलेसेस, और इसमें मेरी मोस्टली क्लिप्स वगैरह हैं, क्लिप्स हैं, बोज हैं, और ये छोटी छोटी सी क्लचर्स मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, साथ में ये बो वाली क्लिप्स हैं, तो ये मैंने कमला नगर मार्केट, जनपद मार्केट, इस तरह से जगहों से खरीदी हैं। ये तो बहुत पुरानी पुरानी हैं, जब मैं छोटी थी तब की हैं ये इस तरह की फ्लावर वाली क्लिप हैं, ग्लिटर वाली क्लिप हैं, तो इस तरह से ये सारे आइटम्स यहाँ पे हैं। फिर मूविंग ओवर हियर, मेरा एक ये ऐसा पाउच है जो कि मैं जब भी मुझे कहीं जाना होता है मैं फटाफट से इसे लेके मैं अपने पर्स में डाल देती हूँ। इसमें मेरा मोस्टली मिरर रहता है, छोटा सा पॉकेट मिरर, एंड देन पॉकेट डिओड्रेंट, एक कोम्ब, और जो भी मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही होती हूँ मैं इसमें रख के मैं फटाफट से अपनी जो स्लिंग बैग है उसमें मैं इसे पाउच को रख देती हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी हैंडी पाउच। ओवर हियर आई हैव दीज क्लियर पाउचेस, तो इसके अंदर कुछ दो चार ईयरिंग्स पड़े हुए हैं, अदरवाइज मैंने इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया कहीं और, अभी मैं दिखाती हूँ कहाँ पे। फिर मेरे पास इस वाले पाउच में है आई हैव ऑल माई हुप्स हियर, सो आई हैव हुप्स इन राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागन, एवरी शेप पॉसिबल, कलर में है, पर्ल्स में है, हर तरह के मेरे पास हुप्स हैं। मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ इन्हें वेस्टर्न जो भी क्लोथ्स होते हैं, तो हुप्स का काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है वो मेरे यहाँ पे हैं, और इन ट्रांसपेरेंट पाउच से ईजी रहता है ढूंढना, तो ये मैंने एक लोकल स्टेशनरी शॉप से लिया था। देन ओवर हियर आई हैव दिस बैंगल पाउच, और इसमें मेरी कुछ बैंगल्स हैं, वैसे जो हैवी लहंगे वगैरह के साथ जो बैंगल्स होते हैं वो मेरी अलग रखी हुई हैं, और ये काफ़ी अच्छा सा है पाउच, इसमें सारी बैंगल्स आ गई हैं। आई गॉट दिस फ्रॉम सूरत फ्रॉम चौटापुर मार्केट, मैंने हॉल भी किया था तो आप देख सकते हो। फिर ओवर हेयर आई हैव दीज डार्क मेटल बैंगल्स, जो कि आई थिंक सबके पास होनी ही चाहिए क्योंकि इससे एकदम बढ़िया सा लुक आ जाता है इतने क्लोथ्स के साथ, तो आप इस तरह का कुछ चेकआउट कर सकते हो। और ये बड़ी बड़ी सी कड़े वगैरह हैं जो कि इसमें फिट नहीं आए, तभी मैंने यहाँ रख दिए। और यहाँ पे मेरा मेकअप पाउच है जो कि जब भी मुझे कहीं ट्रैवल करना होता है तो मैं इसमें ट्रांसफ़र करके मेकअप अपना ले जाती हूँ। दिस इज़ द फाइनल ड्रॉअर, और यहाँ पे अगर बात की जाए तो मेरे कुछ ज्वेलरी रखी हुई है इन बॉक्सेस में जो कि मुझे पीआर में मिले थे, तो ग्लैमिगो के बॉक्सेस हैं, इसमें मेरी कुछ एथनिक ज्वेलरी वगैरह रखी हुई हैं। मैं थोड़ा सा आपको लुक दिखा देती हूँ, तो इसमें ईयरिंग्स वगैरह हैं, नीचे भी हैं कुछ सेट वगैरह हैं। इसमें मेरा एक काफ़ी अच्छा सा पेंडेंट रखा हुआ है, तो ये इसी के साथ था, और ये भी एम्प्टी है।
ओवर हियर आई हैव माई नेल पेंट्स. अगेन आई हैव ऑर्गनाइज देम इन दीज ऑर्गनाइजर्स जो आपको लोकल मार्केट में काफ़ी इजीली मिल जाते हैं. मेरा जो ब्रांड मुझे काफ़ी पसंद है दैट इज़ नायका, और ये वाला नेल पेंट है जो मैंने अभी भी लगा रखा है. दिस वन इज इन द शेड लाइलैक कपकेक 73, सो यू कैन चेक इट आउट ऑन नायका. और मुझे ये जो जूस के जो नेल पेंट्स हैं ना वो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं प्लस काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं. ये आपको 50-70 रुपीज़ में बड़ी ही ईजीली मिल जाते हैं. ये वाला एक मैट शेड है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है. देन ओवर हियर आई हैव सम एक्स्ट्रा रबर बैंड्स और सम एक्स्ट्रा क्लिप्स. फिर यहाँ पे ये कलरबाग का नेल पेंट रिमूवर है एंड आई एब्सोल्युटली लव इट, मैंने नायका से लिया था. देन ये हिप हॉप की चारकोल नोज स्ट्रिप्स हैं टू रिमूव ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स, तो काफ़ी अच्छी है ये, मुझे काफ़ी पसंद आई तो मैंने नायका से मंगवा ली थी. आई हैव 3 डब्बाज. देन ओवर हियर आई हैव सम शीट मास्क फ्रॉम गार्नियर, सो ये मैंने मंगवा लिए थे नायका से सेल में, अभी तक मैं यूज़ नहीं कर पाई हूँ, सो आई हैव दीज. यहाँ कुछ एक्स्ट्रा कॉटन पड़ी हुई है, देन मास्क वगैरह है, एंड देन यहाँ पे है मेरा आई मास्क, काफ़ी क्यूट सा है. आई गॉट दिस फ्रॉम मिनीसो और मैं इसे इसी में रख देती हूँ और कम ही यूज़ हो पाता है, बट आई रियली लाइक दिस, काफ़ी क्यूट सा ये बियर है. सो या दैट्स इट. सो गाइज दैट्स इट फॉर माई वैनिटी टूर. काफ़ी सिंपल सी ये वैनिटी थी एज यू हैव ऑलरेडी सीन, एंड समथिंग दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ. I hope you enjoyed watching the video. If you did, then please do subscribe to my channel and also give this video a big thumbs up. Follow me on my Instagram. I will see you next time. Till then, bye-bye. Take care.